हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपन लूप सिस्टम तथा क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस के बारे में जानेंगे कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में अंतर क्या होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, सीएनसी मशीन में ओपन लूप सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्या होते हैं, इनकी हानियां क्या होती हैं। इसी प्रकार हमने क्लोज लूप सिस्टम के बारे में भी पढ़ रखा है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपके लिए मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, आप जाकर उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर आप उन वीडियोज़ को वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं ओपन लूप सिस्टम के बारे में। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में बात करें तो यहाँ पर आपका फीडबैक नहीं होता है, और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आपका फीडबैक होता है। अब फीडबैक क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि फीडबैक का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ओपन लूप सिस्टम जो होता है वो आपका फीडबैक नहीं देता है, क्लोज लूप सिस्टम आपका फीडबैक देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि ओपन लूप सिस्टम एरर डिटेक्टर नहीं होता। जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें आपका एरर डिटेक्टर नहीं होता है। वहीं पर हम बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में तो यहाँ पर आपका एरर डिटेक्टर होता है। एरर डिटेक्टर का क्या मतलब है, एरर डिटेक्टर का कार्य होता है कि जो आपका यहाँ पर वर्किंग फंक्शन है यदि उसमें कोई कमी आती है तो उसके बारे में बताना। तो ओपन लूप सिस्टम में यदि कोई कमी आती है तो वहाँ पर उस कमी को बताने के लिए एरर डिटेक्टर नहीं होता है। वहीं हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम में तो वहाँ पर कोई कमी आती है तो उसको बताने का काम आपका एरर डिटेक्टर करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इनका निर्माण सरल होता है। जो आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं इनको बनाना काफ़ी इजी होता है। वहीं पर हम बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को तो यहाँ पर इनका निर्माण करना थोड़ा कठिन होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यह सस्ते होते हैं और मितव्ययी होते हैं, यानी कि जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो आपका सस्ता पड़ता है। वहीं पर हम बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तो जो आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अपेक्षा अधिक महंगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह पूरी तरह से इनपुट के आधार पर काम करता है। जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो आपका पूरी तरीके से आपके द्वारा दिए गए इनपुट के बेसिस पर वर्क करता है। वहीं पर हम बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तो जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वह आपका पूरी तरह से आउटपुट पर विचार करता है और फिर उस पर कार्य करता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर समझ लीजिए, जो आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है पहले वो आउटपुट के बारे में सोचता है फिर उसी के बारे में कार्य करता है कि किस प्रकार से हमें आउटपुट देना है, और फिर उस पर वर्क करता है और वो आउटपुट को देता है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ज़रूर याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें इनपुट के आधार पर वो काम करता है। वहीं पर बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में तो यह आउटपुट के आधार पर विचार करता है, उसके बाद ये आपका वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इसे नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसको हम नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये आपका फीडबैक देने का कार्य नहीं करता है। क्लोज लूप
कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो इसे हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें फीडबैक देने का कार्य करता है। चलिए आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से समझा दूँ कि फीडबैक देना और फीडबैक ना देना क्या होता है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो वहाँ पर मैंने आपको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक जो आपकी पानी को गर्म करने वाली रॉड आती है उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर कोई फीडबैक कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका क्या है, वो रॉड आपकी गर्म होती चली जाती है और वो रॉड आपकी तब तक गर्म होती जाती है जब तक कि हम वहाँ पर उसको बंद नहीं करते। यदि उसमें फीडबैक सिस्टम हो तो वो क्या हो कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाए। तो वहाँ पर क्या है कि फीडबैक नहीं होता है और ओपन आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक होता है। इसका एग्जांपल आपका एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन में क्या करते हैं, मान लीजिए आपने एयर कंडीशन का जो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 16 डिग्री सेल्सियस, अब आपका वो एसी जो है आपके कमरे को तब तक गर्म ठंडा करता रहेगा जब तक कि आपका जो है कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री नहीं आ जाता। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, जाके आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसे डिजाइन करना आसान होता है क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसे हम डिजाइन आसानी पूर्वक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें कोई फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देना नहीं होता है। और इसी की अपेक्षा बात करें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में तो इसे डिजाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें वहाँ पर फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा स्थिर होते हैं। जो आपके ओपन लूप के ज़्यादा स्थिर होने का मतलब है कि जो आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो ज़्यादा टाइम तक आपका वर्क कर सकता है। लेकिन बात करें आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तो ये आपके ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की अपेक्षा कम टाइम तक वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें या इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की जो एज होती है, जो वर्किंग उसका क्राइटेरिया होता है वो अधिक होता है। वहीं पर बात करें क्लोज लूप सिस्टम की तो ये आपका क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तो आपका अगला पॉइंट आता है कि ओपन लूप सिस्टम तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हैं और आपके जो क्लोज लूप सिस्टम होते हैं वो कुछ धीमी प्रतिक्रिया देते हैं ओपन लूप सिस्टम की अपेक्षा। धीमी और तेज़ का मतलब है कि जो आपका ओपन लूप सिस्टम होता है इसमें जितने भी आपकी वर्किंग होती हैं वो तेज़ होती हैं। क्लोज लूप सिस्टम में बात करें कि जो भी आपकी इसमें वर्किंग होती है वो ओपन लूप सिस्टम की अपेक्षा थोड़ी से धीरे होती है। लास्ट आपका पॉइंट आता है कि ओपन लूप सिस्टम विश्वसनीय होते हैं, इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बात करें आपके क्लोज लूप सिस्टम की तो ये आपके थोड़ा सा कम विश्वसनीय होते हैं, इन पे कम भरोसा किया जा सकता है ओपन लूप सिस्टम की अपेक्षा। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 10 पॉइंट्स आपके ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में डिफरेंस के। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है आपको प्रॉपरली मिलती रहें। साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे ताकि जब कोई भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपके फ्रेंड्स 6 सेमेस्टर के आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जाकर आप सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे आपको क्वेश्चन एस्टिस देखने को मिलेंगे आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो को कम्प्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।
है।